नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मोदी ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रगति के बीच अमेरिकी टेक नेताओं से की मुलाकात। लापता लेडीज ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री घोषित। महाराष्ट्र के अमरावती में बस गिरने से 4 की मौत, 40 से ज्यादा घायल। हैदराबाद गांधी अस्पताल जाते समय बीआरएस विधायकों को हिरासत में लिया गया। निजी रूप से बाल अश्लील सामग्री देखना भी पोक्सो अपराध, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसियो डेकोरेटिव सर्फेस अक्रिलक इंटीरियर क्लैड्स नूरानी लिबास रेडीमेड टेक्सटाइल्स स्टिचिंग। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी शीर्ष टेक कंपनियों से भारत को विनिर्माण और नवाचार के लिए एक गंतव्य के रूप में तलाशने का आग्रह किया। उन्होंने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, जो क्वाड देशों जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं, उनकी वार्षिक बैठक में भाग लेने के एक दिन के बाद हुई। भारत खुद को चीन के विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वैश्विक कंपनियों को उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए आकर्षित किया जा सके। सोमवार को हुई इस बैठक में गूगल के सुंदर पिचाई, एडोबी के शांतनु नारायण, आईबीएम के अरविंद कृष्णा और एनवीडिया के जेनसन हुआंग सहित 15 सीईओ शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वो भारत में सह विकास, सह डिजाइन और सह उत्पादन कर सकते हैं, जो वैश्विक स्तर पर काम आएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बैठक में प्रौद्योगिकी के नवाचारों में उपयोग पर चर्चा की, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानव विकास को क्रांतिकारी रूप से बदलने की क्षमता है। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभारी हूं कि आप समय निकाल करके, इस ज़्यादा समय तो नहीं था लेकिन जितना समय मिला उसका मुझे भी लाभ मिला है और आपका आना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले साल जब मैं वाशिंगटन आया था तो मैंने टेक हैंडशेक एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था और उस समय भी आप ऐसे कुछ साथियों से मिलने का मौका मिला था। भारत में भी आप ऐसे कई भी साथियों से समय समय पर मुझे मिलने का अवसर मिला है। आज एक साल बाद मैं दुनिया के बड़े बड़े जो इनोवेटर्स हैं उनके बीच अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप सबके बीच आज बैठा हूँ। मैं जो ऊर्जा देख रहा हूँ, जो उत्साह देख रहा हूँ और भारत के प्रति जो एक भरोसा देख रहा हूँ, ये वाकई हमें बहुत ही सुखद लगता है। क्योंकि जब आप जैसे एक्सपर्ट लोग कोई बात बताते हैं बदलती हुई दुनिया के विषय में और भारत की संभावनाओं के विषय में, तब भारत में भी एक नीति निर्धारण में हमारा विश्वास बढ़ जाता है। कुछ चीज़ों का सुझाव भी आपने दिया है, मेरी टीम ने सारी चीज़ों को नोट किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जिस दुनिया में काम करते हैं और आप जिन दुनिया को अच्छी तरह जानते हैं और जिसका भविष्य भी आपको अनुमानित है और तब आपके सुझाव आते हैं, वो सुझाव बड़े वैल्यूएबल होते हैं। आपके अनुभव मेरे लिए बहुत अहम है और इसलिए मैं भले ही टाइम छोटा रहा होगा तो कम रहा होगा लेकिन उस महत्वपूर्ण बातों को बहुत तवज्जो देता हूँ, उसको बहुत बड़ा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि निजी रूप से बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री देखना पोक्सो अधिनियम के दायरे में नहीं आता। न्यायमूर्ति जेबी पार्टी वाला द्वारा लिखित निर्णय के सुझाव में दिया गया है कि संसद को बाल अश्लील सामग्री शब्द को बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री CSEAM से बदलने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस बीच केंद्र सरकार को पोक्सो अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाना चाहिए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने देश भर में सभी न्यायालयों से कहा है कि किसी भी न्यायिक आदेश या निर्णय में बाल अश्लील सामग्री शब्द का उपयोग ना करें, बल्कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री का भी समर्थन करें। किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया।
इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई ये फिल्म कल्ट स्टेटस हासिल कर चुकी है। नए कलाकारों के इस फिल्म को दर्शक रिलीज के बाद से ही पसंद कर रहे हैं, खासकर नेटफ्लिक्स पर इसके OTT रिलीज के बाद। 97वें अकादमी अवार्ड्स का आयोजन अगले साल मार्च में होगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित इस ड्रामा फिल्म ने भारत के 29 अन्य फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए ऑस्कर 2025 की रेस में जगह बनाई है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI ने सोमवार को पुष्टि की कि किरण राव की लापता लेडीज भारत की आधिकारिक ऑस्कर एंट्री है। बहुत खुश हूँ मैं, यकीन नहीं हो रहा है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी जिंदगी 34 साल के करियर में मेरी पहली कोई फिल्म ऑस्कर में गई है। नेशनल अवार्ड में एक हमारी भोजपुरी फिल्म गई थी, कबोई गौना हमार, एक 1971 मनोज वाजपेयी के साथ गई थी, ऑस्कर में जाएगी ये नहीं पता था। क्रेडिट पूरा मैं किरण राव जी को देना चाहता हूँ, आमिर खान साहब को देना चाहता हूँ, फिल्म के राइटर्स को देना चाहता हूँ और मेरे साथी कलाकारों को। सबकी मेहनत रंग लाई, भारत की फिल्म, भारतीय मूल की, भारतीय परिवेश की फिल्म, देहात, जो भारत में 80% देहात है, गांव है, वो अब पूरा विश्व देखेगा, ऑस्कर में देखेंगे कि क्यों आज भारत, ये नया भारत, ये आत्मनिर्भर भारत, ये बेटियों वाला भारत जो आज पूरी चर्चा में है पूरे विश्व में, क्यों आगे आ रहा है, उसका कारण क्या है, ये फिल्म वो दर्शाती है। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, आत्मनिर्भर भारत, एक बेटी कैसे लड़ती है अपने सपनों के लिए, ये चीज़ मुझे बहुत टच की। एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में मैं हूँ जो करप्ट रहता है लेकिन उसके अंदर एक मानव इंसानियत भी रहती है, तो वे देख के मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक दुखद दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई और 40 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब अमरावती से खंडवा जा रही बस 60 से 70 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस में लगभग 50 से 55 यात्री सवार थे। चालक के नियंत्रण खो देने के कारण ये घटना घटित हुई। स्थानीय निवासियों ने चिकालधारा पुलिस की सहायता से तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को पारतवाड़ा और अमरावती के अस्पतालों में भर्ती किया। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। राहत कार्य तेज था लेकिन गंभीर चोटों की संख्या चिंता का विषय है, एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा। आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी ने आज अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। रामायण का संदर्भ देते हुए अतिशी ने कहा, मेरी स्थिति भरत की तरह है जब भगवान श्री राम ने वनवास लिया और भरत को उनके अनुपस्थित रहने के कारण शासन करना पड़ा। 43 वर्षीय अतिशी ने आगामी चुनावों तक अगले 4 महीने तक सरकार चलाने का संकल्प लिया, जैसे भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ सैंडल के साथ राज किया। कार्यभार संभालने के बाद अतिशी ने अपने पास एक खाली कुर्सी रखी जो उनके पार्टी प्रमुख केजरीवाल के प्रति एक प्रतीकात्मक इशारा था। उन्होंने कहा, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है, मुझे विश्वास है कि दिल्ली की जनता उन्हें 4 महीने के बाद फिर से सत्ता में ले आएगी। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया, इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग
उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में, 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र ने इस हफ्ते 36 स्टार्टअप्स द्वारा $628.24 मिलियन से ज्यादा की विशाल फंडिंग देखी, जो है पिछले हफ्ते की तुलना में 174.5% से ज्यादा की वृद्धि है। इस फंडिंग के प्रमुख खिलाड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी फिजिक्स वाला PW रही है, जिसने अपनी सीरीज बी फंडिंग राउंड में $210 मिलियन जुटाए और कंपनी की वैल्यूएशन $2.8 बिलियन तक पहुंच गई। इस राउंड का नेतृत्व हॉर्निबल कैपिटल ने किया, जिसने लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स और मौजूदा निवेशक GSV और वेस्ट ब्रिज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस हफ्ते 14 ग्रोथ स्टेज डील्स और 17 अर्ली स्टेज डील्स हुई, जो देश में सकारात्मक निवेश वातावरण को दर्शाती है। बेंगलुरु के स्टार्टअप्स ने इस हफ्ते 12 डील्स के साथ नेतृत्व किया। इसके बाद दिल्ली NCR, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद का स्थान रहा। सोमवार 23 सितंबर को शहर की पुलिस ने गांधी अस्पताल जाते समय भारत राष्ट्र समिति के विधायकों को हिरासत में ले लिया है। ये विधायक पार्टी की तथ्य जांच समिति का हिस्सा थी। समिति को गांधी अस्पताल का दौरा करना था, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री TR, विधायक डॉक्टर कल्वाकुंतला संजय और पूर्व विधायक डॉक्टर मेटुकु आनंद को अस्पताल जाने से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया। BRS विधायक मांगती गोपीनाथ को भी हिरासत में लिया। समिति का दावा था कि वो गांधी अस्पताल का दौरा कर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की स्थिति का आकलन करने और तेलंगाना सरकार को सुझाव देने के लिए जा रही थी। समिति ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। हैदराबाद में हाइड्रा ने जारी रखा ध्वस्तीकरण अभियान, सोमवार को ढहाए गए ढांचे। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने सोमवार को माधवपुर क्षेत्र में एक पार्क में कथित अवैध संरचनाओं को ढहा दिया, ध्वस्तीकरण अभियान को जारी रखते हुए। हाइड्रा अधिकारियों ने माधवपुर के काबोरी हिल्स पार्क में एक खेल अकादमी की अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया, जो सूचना प्रौद्योगिकी क्लस्टर में स्थित है। काबोरी हिल्स एसोसिएशन ने खेल अकादमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और इसी शिकायत पर कार्यवाही करते हुए हाइड्रा ने ढांचों को गिरा दिया। ध्वस्तीकरण पूरा करने के बाद अधिकारियों ने काबोरी हिल्स पार्क का बोर्ड लगा दिया। वहीं खेल अकादमी के प्रबंधन का दावा है कि काबोरी हिल्स एसोसिएशन ने उन्हें 25 साल के लिए जगह लीज पर दी थी और आरोप लगाया कि लीज अवधि समाप्त होने से पहले ही उन्हें अनुचित रूप से बेदखल किया गया। हालांकि हाइड्रा के आयुक्त AV रंगनाथ ने कहा कि हैदराबाद में ध्वस्तीकरण अभियान कोर्ट के आदेश के अनुसार ही किया गया है। हैदराबाद में सोने की कीमतों में आज भी तेजी जारी रही, जिससे ये नई सर्वकालिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई। शहर में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 69,800 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 76,150 रुपये तक पहुंच गई। आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों में क्रमशः 200 रुपये और 220 रुपये की वृद्धि हुई। हैदराबाद और वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में इस वृद्धि का कारण वैश्विक संकेत US फेडरल रिसर्च द्वारा 50 आधार अंकों की दर कटौती के बाद का बाजार भाव और 2026 तक और अधिक कटौती की उम्मीदें जताई जा रही है। तेलंगाना नर्मल में शराब के नशे में आदमी ने RTC बस चुराई। एक अजीबोगरीब घटना में एक नशे में धुत आदमी ने रविवार 22 सितंबर को तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TGSRTC की एक बस को नवल जिले के डिपो से चुरा लिया। एक वीडियो में आरोपी कहते हुए सुनाई दे रहा है, मेरा नाम कैनी है, मैं डिपो में गया और बस पर चढ़ गया, ये एक गलती थी, कृपया मुझे जाने दो। घटना के बाद डिपो के सुरक्षा कर्मियों ने बस का पीछा किया, जो सोफीनगर में एक हादसे का शिकार हो गई। हादसे की जगह डिपो से 3 किलोमीटर दूर थी। सुरक्षा कर्मियों ने बस पर नियंत्रण पाया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोदी ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रगति के बीच अमेरिकी टेक नेताओं से की मुलाकात। लापता लेडीज ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री घोषित। महाराष्ट्र के अमरावती में बस गिरने से 4 की मौत, 40 से ज्यादा घायल। हैदराबाद गांधी अस्पताल जाते समय BRS विधायकों को हिरासत में लिया गया।
निजी रूप से बाल अश्लील सामग्री देखना भी पोक्सो अपराध। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसियो डेकोरेटिव सर्फेस अक्रिलक इंटीरियर क्लैड्स नूरानी लिबास रेडीमेड टेक्सटाइल्स स्टिचिंग। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।